नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेजश नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया। तब अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक्मान की ये आयतें नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के पहले मरहले में पैदल मुसाफिर मजदूरों की बेलोस खिदमत करने वाली आमिना बेगम को अवार्ड, इनकी जबरदस्त खिदमत पर तेलंगाना रतन अवार्ड से सरफराज किया गया। लायंस क्लब की जानिब से पीएससी नंदीपेट को 20 कुर्सियों का दिया। पीएससी के अहाते में शजरकारी प्रोग्राम, गरीबों को खाना भी खिलाया गया। डॉक्टर बाबूराव की सालगिरह के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम। अरगुल में इनामी स्कीम के ड्रा के मौके पर पुलिस की कार्रवाई, स्कीम के जिम्मेदारान की गिरफ्तारी। स्कीम गैर कानूनी, अवामी सरमाए का इस्तेहसाल, मुकदमा दर्ज होगा, सब इंस्पेक्टर का बयान। जकरियाल में कमसिन बच्चों को शराब फरोख करने का मामला, कानून की खुली खिलाफ वर्जी। कमसिन बच्चों को शराब की फरोख काबिले गिरफ्त, अरबाब मजाज तवज्जो दे। अब खबरें तफसील से। मुक्कल मंडल की आंगनवाड़ी टीचर आमिना बेगम को हैदराबाद में तेलंगाना रतन अवार्ड से सरफराज किया गया। लॉकडाउन के पहले मरहले में आमिना बेगम ने पैदल मुसाफिरों की बेलोस खिदमत की थी। अवाम टीवी ने बारह इनके ताल्लुक से खबरों की नशरियात अमल में लाई थी। आर्मर डिवीजन के मुक्कल मंडल से ताल्लुक रखने वाली आमिना बेगम को हैदराबाद में तेलंगाना रतन अवार्ड से सरफराज किया गया। अवाम टीवी के नाजरीन को अच्छी तरह याद होगा कि अवाम टीवी ने लॉकडाउन के पहले के मौके पर आमिना बेगम की खिदमत से मुतालिक कई खबरें नशर की थी। आंगनवाड़ी टीचर आमिना बेगम मुक्काल मंडल मुस्तखर से ताल्लुक रखती है और आंगनवाड़ी टीचर की तनख्वाह पर ही इनका गुजारा था। 22 मार्च 2020 में अचानक लागू किए जाने वाले लॉकडाउन की वजह से दूसरी रियासतों के रहने वाले गरीब मजदूर बेरोजगार हो चुके थे और भूख व फाकाकशी का शिकार बने हुए थे। बेरोजगारी और फाकाकशी से परेशान मजदूरों ने अपने अफराद खानदान के साथ अपने वतन को वापस होने का फैसला लिया, मगर उस वक्त तमाम सरगर्मियाँ मफलूज थी। ट्रेनें, बसेस और दीगर जराए हमलो नकल को बंद कर दिया गया और तमाम ही दुकानें और होटल्स और दीगर कारोबार मुकम्मल बंद थे। सड़कों पर सन्नाटों का राज था। ऐसे में ये गरीब मजदूर अपने वतन को वापस होने के लिए पैदल ही चलने लगे। हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर का सफर भूखे प्यासे तय करते हुए वो जब मुक्काल मंडल पहुँचे थे तो वहाँ आमिना बेगम इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद रहती और इन भूखे प्यासे पैदल मुसाफिरों के लिए खाने और चाय का इंतजाम करती और बेशुमार दुआएं समेट लेती। इनकी ये मुफ्त खिदमत जो लातादाद मजदूर मुसाफिरों के लिए थी, कई दिनों तक जारी रही, जिसको मुल्कगीर शोहरत हासिल हुई। पैदल सफर करते हुए अपने वतन को वापस होने वाले मजदूरों ने अपने वतन को पहुंचकर आमिना बेगम की पुरखलूस खिदमत का इंकशाफ किया। इस तरह आमिना बेगम को मुल्कगीर शोहरत हासिल हुई और अब इनको तेलंगाना रतन अवार्ड से सरफराज करते हुए इनकी खिदमत की सताइश की गयी। हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना सरस्वती परिषद हॉल में रुकन असम्बली के सत्य नारायण ने इनको इस अवार्ड से सरफराज किया। आमिना बेगम को अवार्ड से सरफराज किए जाने पर मुक्काल मंडल की अवाम ने जबरदस्त मसरत का इजहार किया। बोधन बल्दिया के दफ्तर पर मजलिसी काउंसलर्स और कायदीन का एहतजाजी धरना। कमिश्नर बल्दिया और चेयरपर्सन पर जानिबदारी व नाइंसाफी का इल्जाम आयद किया गया और कहा गया कि जानिबदारी व नाइंसाफी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजलिसी कायदीन ने कहा कि मजलिसी वार्डों को सियासी तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। सदर सिटी मजलिस बोधन मोहम्मद मुशीर बाबा की क्यादत में मजलिसी काउंसलर्स ने दफ्तर बल्दिया बोधन पर जबरदस्त धरना मुनजम किया और संगीन इल्जाम आयद किया कि चेयरपर्सन बोधन बल्दिया और कमिश्नर बल्दिया बोधन मजलिस के अखिलियती वार्डों को अक्सर नजरअंदाज कर रहे हैं और इनके साथ जानिबदारी व तासुबियत का मुजाहरा किया जा रहा है। फंड्स की फराहमी में नाइंसाफी की जा रही है, जिसकी वजह से मजलिसी वार्डों में तरक्याती काम ठप है। मुशीर बाबा ने कहा कि मजलिसी वार्डों को सियासी तासुब का निशाना बना
मनाया जा रहा है और जमहूरी अकदार को पामाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम नुमाइंदे अवाम के मुंतखब किए हुए हैं और तमाम ही वार्डों को यकसा फंड्स की फराहमी लाजमी है, लेकिन जानबूझकर मजलिसी वार्डों को नजरअंदाज किया जा रहा और सरासर जानिबदारी व नाइंसाफी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस दरमियान धरने में तनाव का माहौल पैदा हो गया। मजलिसी काउंसलर्स शदीद बरहमी का इजहार कर रहे थे। कमिश्नर बल्दिया और चेयरपर्सन बोधन बल्दिया से बहस व तकरार के मनाजिर देखे गए। आखिरकार पुलिस ने मदाखलत की और इस एहतजाजी मजलिसी काउंसलर्स और कायदीन से गुफ्तगू करते हुए मुमकिन इंसाफ और मुनसिफाना फंड्स की फराहमी का तयखुन दिया और जानिबदाराना व गैर मुनसिफाना फंड्स की फराहमी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन और दीगर काउंसलर्स में तनाव का माहौल देखा गया। एक मौके पर पुलिस ने ताकत के इस्तेमाल की कोशिश की थी। 1 अगस्त की सुबह 10 बजे दफ्तर जमे बोधन रोड पर जमियत का अहम इजलास मुनाकिद होगा, जिसमें 4 अजला के जुम्मेदारान शिरकत करेंगे। हाफिज पीर शब्बीर अहमद इस इजलास के मेहमान खुसूसी होंगे और अहम हिदायत जारी करेंगे और मुस्तकबिल के ताल्लुक से रहनुमाई करेंगे। सदर जिला जमियतुल उलमा मौलाना समीउल्लाह ने अपने सहाफती बयान में बताया की जमियतुल उलमा का एक मशावरती इजलास दफ्तर जिला जमियतुल उलमा बोधन रोड पर मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमे 4 अजला के जुम्मेदारान जमियत शिरकत करेंगे। इस इजलास में जमियत आंध्र प्रदेश व तेलंगाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और जमियत की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतालिक हिदायत देंगे और रहनुमाई करेंगे। मौलाना समीउल्लाह ने जमी अराकिन से ख्वाहिश की कि वो वक्त की पाबंदी के साथ इजलास में शिरकत करे। इजलास का 1 अगस्त को सुबह 10 बजे इनेकाद अमल में आएगा और इस इजलास में अहम फैसलों को खतियत दी जाएगी। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर और दीगर मौजूद थे। आबाद और ज़िला निज़ामाबाद के तमाम मुसलमानों को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कल 1 अगस्त को सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह जमीतुलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदर हजरत अलहाज हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब दामत बरकातहुम की आमद हो रही है और हैदराबाद रियासती सतह के जमीतुलमा के ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, मौलाना मुसद्दिक साहब और मौलाना इनामुल हक साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस मौके पर जो है जमीयतुल उलमा के दफ्तर पर एक जमीयत के अराकीन और जमीयत के कारकुनान और ज़िम्मेदारान तकरीबन 4 ज़िलों के यहाँ पर जमा हो रहे हैं। तो उन 4 ज़िलों के अराकीन के दरमियान में इंशाअल्लाह सदर साहब की भी जो है बात होगी और जो है 4 ज़िलों के उलमा जमा हो रहे हैं, जमीयत का काम समझाया जाएगा, उसका तरीक़ेकार समझाया जाएगा। तो तमाम ही मुसलमानों को हम इस बात की इत्तला देते हैं और खुसूसन जमीयतुल उलमा के कारकुनों से हम अपील करते हैं कि कल सुबह 10 बजे जमीयतुल उलमा के दफ्तर पर इंशाअल्लाह सदर मोहतरम का मुशावरती इजलास होगा। तमाम ही अहबाब वक्त की पाबंदी के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करें। जकरनपल्ली मंडल के मौजे अरगुल में इनामी स्कीम के ड्रा के मौके पर पुलिस का धावा, स्कीम के मालिकीन गिरफ्तार, पुलिस ने सामान को जब्त कर लिया। एसआई ने बताया कि ये स्कीम गैर कानूनी है, लिहाजा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने अवाम से मोहतात रहने और झांसा ना खाने की ख्वाहिश की। जकरनपल्ली मंडल के मौजे अरगुल में वाक़े PVR फंक्शन हॉल में एक इनामी स्कीम के ड्रा का प्रोग्राम मुनक़िद था। इस ड्रा के मौके पर स्कीम के मालिकीन के अलावा मेंबरान की भी कासिर तादाद मौजूद थी। इतला पर पुलिस मुतहरिक हुई और PVR गार्डन फंक्शन हॉल पर धावा करते हुए ड्रा में मसरूफ स्कीम के मालिकीन को गिरफ्तार कर लिया और वहां इनामात में दिए जाने वाले सामान को भी जब्त करते हुए अपनी तहवील में ले लिया। मुकामी सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने एक इतला पर यह कार्रवाई की है। ये एक प्राइज मिनी स्कीम है जो की डायमंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से चलाई जाती है। इस स्कीम में महाना 1200 रुपये जमा करने होते हैं और इस स्कीम के जुमला 2500 मेंबर्स होते हैं, जिनसे हर माह किस्त की रकम ली जाती है और ड्रा किए जाते हैं। चंद अफराद को इनामत मिलते हैं और माँ बाकी अफराद को आखिर में किसी न किसी इनाम का झांसा दिया जाता है। पुलिस इस स्कीम के मालिकिन शाहिद सादुल्ला हुसैन, सलीम और रवि को हिरासत में ले लिया और बताया कि इन तमाम का ताल्लुक आर्मुर मंडल के मौजे पिरकिट से है और इसमें पिरकिट के बहुत ज्यादा मेंबर शामिल हैं। आज ड्रा के लिए इस स्कीम के मालिकीन ने इस दूरदराज के फंक्शन हॉल को हासिल किया और ड्रा की कार्रवाई अंजाम दे रहे थे कि पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया और सलमान को जब्त कर लिया।
उन्होंने बताया कि इन मुलजिमीन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसआई ने आवाम से अपील की कि वो इस तरह की स्कीमात में अपनी मेहनत का पैसा ना लगाए और किसी किस्म के झांसे में ना आए, वरना सिवाय पछतावे के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जकमपल्ली मंडल अरगूल शिवार पीवीआर गार्डन प्राइज मनी स्कीम नड़ी समाचार नैन मैं सिबंदी अंदर कल इक पीवीआर गार्डन वेसर कटे को मंद प्रजू इकर्चन गारडन फंक्षना मरी ए विचार कल शाहेद शादुल्ला हुसैन सलीम रफी अने वीलू पेरकिट वालू पेरकिट रेग्युर् स्कीम ना स्कीम पेर डायमंड इलेक्ट्रॉनिक्स मरी 15 ने स्कीम मरी 14 ने अब बैठे आर्मूर एरिया पेरकिटे नीचर ఇప్పుడు 15వది లాస్ట్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ వాళ్ళందరినీ సభ్యులందరినీ పిలిపించుకున్నారు. పిలిపించుకొని లాస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ డ్రా చేయడానికి రెడీ అయి కూర్చున్నారు. స్కీమ్ నడుస్తున్న రన్నింగ్ అవుతున్నది. మరి వీళ్ళు ప్రతి నెల ఒక్కొక్కరు సభ్యులు 1200 రూపాయలు చొప్పున కడుతుంటారు. కోడ్గిన్ మండల్ కే మౌజే హంగర్గా మే బీటీ సడక్ కే తామీరీ కామో కా జెడ్పీటీసీ కే హాతో ఇఫ్తితా. ఉన్హోనే బతాయా కే సడక్ 5.4 కిలోమీటర్ తవీల్ హై ఔర్ 2 కరోడ్ 30 లాఖ్ కీ లాగత్ సే తామీర్ కీ జా రహీ హై. యే సడక్ గుజిష్తా 10 సాల్ సే లీతోలాల్ కా షికార్ థీ. అబ్ స్పీకర్ అసెంబ్లీ పోచారామ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి నే శఖ్సీ దిల్చస్పీ లేకర్ ఫండ్స్ కీ మంజూరీ లగాయీ. जेडपीटीसी शंकर पटेल ने हंगरगा से पोतंगल जाने वाली सड़क की बीटी सड़क की हैसियत से तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कोटगिर मंडल के मौजे हंगरगा की ये सड़क करीब 5.4 किलोमीटर तवील है और गुज़िश्ता 10 सालों से इसकी तामीर नहीं की गई थी। मुकामी अवाम ने इस सड़क की तामीर के लिए स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से नुमाइंदगी की थी, जिस पर दिलचस्पी लेते हुए स्पीकर असम्बली ने इस सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपये के खसूसी फंड मंजूर करवाए और आज इसके तामीरी कामों का जेडपीटीसी शंकर पटेल ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शंकर पटेल ने बताया कि ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है और कई मुआजजात को जोड़ती है। इस सड़क की तामीर से इन मुआजजात की अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि हल्के असम्बली बांसवाड़ा में रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं, बिलखसूस हरगरगा में कई तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। इस मुआवजे में सड़कों और नालियों की तामीर करवाई गई, वाटर टैंक बनवाए गए और कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इसी तरह हुकूमती फलाई की मां से इस मौजे की अवाम को मुस्तफिद करवाया गया। उन्होंने स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया और बताया कि इन कामों की तकमील में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और बांसवाड़ा टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का भी जबरदस्त ताउन हासिल रहा। उन्होंने इनसे भी इजहार तशक्कुर किया। राष्ट्र मुख्यमंत्री केसीआर गारियोजकवर्ग ఏదైతే పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి గారు సభాపతి మా నియోజకవర్గానికి ముఖ్యంగా మా హంగరగ గ్రామానికి మా కోడిగిర్ మండలానికి ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు వారు ఈ రోజు మా హంగరగ కొత్తంగల్ బైపాస్ నుండి హంగరగ కార్యగం బాకరఫారం ఎగుడొల్లి వరకు బీటీ రోడ్డును మంజూరు చేసి ఈ రోజు భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. తొందరలోనే ఇది కంప్లీట్ చేస్తానని మిషన్లు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. వారికి మా గ్రామాల తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ రోడ్డుకు ప్రభుత్వ పరంగా 2 కోట్ల 30 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసి 5.4 కిలోమీటర్ల రోడ్డును గత 10 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఎదురు చూస్తా ఉన్నాం. దీనికి మా గౌరవ పెద్దలు పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి గారు సభాపతి గారు వారిని అడగగానే వారు వచ్చి ఇంతకు ముందు చూసిపోవడం జరిగింది. నాజరీన్ యహాన్ లేంగ ఏక్ ఛోటా సా వక్ఫా. खलबे शहर निजामाबाद के अखिलती इलाके में असरी व जदीद आला से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीस आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड की सहूलत के साथ एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 3 ऑपरेशन थिएटर माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है।
गायनेकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरिलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वसरी तिब्बी आलात से लेस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, जेड प्लस बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल, जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से नजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100ml, 200ml और 500ml की बोतलों में दस्तियाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तियाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। भीमगल मंडल के मौजे जकरियाल के एक मकान में शराब का धड़ल्ले से कारोबार। अवामी आबादी के दरमियान शराब का कारोबार तश्वीशनाक। शराब की दुकान का मालिक कमसिन बच्चों को शराब फरोख कर रहा है। जरूरत है कि अरबाब मजाज इस तरफ तवज्जो दे और शराब की दुकान के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करे। भीमगल मंडल के मौजे जकरियाल में गैर कानूनी तौर पर शराब की दुकान मकान में चलाई जा रही है। तमाम खवानीन को यहाँ बालाए ताक रख दिया गया और मकान के ही एक कमरे में शराब का बड़ी मकदार में जखीरा किया गया और उसकी धड़ल्ले से फरोख की जा रही है। इस सिलसिले में इस दुकान के मालिक से कोई सवाल करने वाला नहीं है, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि शराब की दुकान का मालिक कमसिन बच्चों को भी शराब फरोख्त कर रहा है, जबकि कम उम्र बच्चों को शराब और दीगर मंशियात की फरोख्त खतई गैर कानूनी है और ये मामला काबिल गिरफ्त है, लेकिन इस पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। इस शराब की दुकान से बड़ी तादाद में बच्चे भी शराब की खरीदी कर रहे हैं, जो कि एक तश्वीशनाक बात है। अगर इन बच्चों से इनके वालिदैन ये कोई दीगर शराब मंगवाते हैं तब भी ये बात कतई गलत है और शराब की दुकान के मालिक का इन बच्चों को शराब फरोख करना कतई गैर कानूनी है, क्योंकि नाबालिग बच्चों को नशावर अशिया कतई फरोख नहीं की जा सकती। जरूरत है कि अरबाब मजाज इस जानिब तवज्जो दे और अवामी आबादी के दरमियान एक मकान में चलाई जाने वाली शराब की दुकान के खिलाफ कार्रवाई करे और बच्चों को शराब फरोख करने पर जवाब तलबी करे। लायंस क्लब नंदीपेट की जानिब से पीएससी नंदीपेट को 20 कुर्सियों का अतिया। क्लब के जिम्मेदारान ने पीएससी के अहाते में पौधे लगाए और 200 गरीब अफराद को खाना खिलाया। सदर लायंस क्लब ने बताया कि डॉक्टर बाबूराव की सालगिरह के पेश नजर इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है। लायंस क्लब के खैर सगाली अवार्ड याफ्ता खायद डॉक्टर बाबूराव की 63वीं सालगिरह के मौके पर नंदीपेट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लायंस क्लब की जानिब से एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस मौके पर लायंस क्लब की जानिब से इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 20 कुर्सियों का अतिया पेश किया गया और साथ ही इस पीएससी के अहाते में पौधे लगाए गए। लायंस क्लब नंदीपेट के सदर लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि मुआशरे में दवाखानों की इंतहाई अहमियत होती है और ये शिफा के मराकज़ होते हैं, जहाँ बेशुमार लोग मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर रुजू होते हैं और इन दवाखानों के डॉक्टर्स और अमला इनको तिब्बी खिदमात फराहम करता है। बिलखुसूस कोरोना के खौफनाक माहौल में इन दवाखानों ने अहम तरीन रोल अंजाम दिया और बेशुमार खतरात के बावजूद अवाम की हमदर्दाना खिदमत की और इनको इलाज फराहम किया। तिब्बी शोबे की इस खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बिलखुसूस नंदीपेट पीएससी में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार की निगरानी में कोरोना के मुतासरीन को मौसर इलाज बर वक्त फराहम किया गया, जिसकी वजह से नंदीपेट में इस वबा पर जल्दी काबू पाया जा सका। उन्होंने बताया कि सालगिरह के मौके पर 200 गरीब अफराद को खाना खिलाया गया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इस पीएससी को किसी भी चीज की जरूरत लाहक होती है तो लायंस क्लब इस चीज को अपनी जानिब से अतिये की शक्ल में पेश करेगा। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर अजय कुमार ने लायंस क्लब के जिम्मेदारान से दिल इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इससे हमको मजीद हौसला मिलता है और खिदमत के जज्बे में इजाफा होता है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इस पीएससी के जरिए मुमकिन तिब्बी खिदमत फराहम की जाती रहेगी और आवाम को कभी भी मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा। लायंस क्लब बात कर रहे हम लोग ये रोज़
బాబురావు జన్మదినం సందర్భంగా అందరికీ ఒక 200 మందికి అన్నదానం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా నందిపేట పిఎస్సిని లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ భాగంగా అందులో భాగంగా నందిపేట పిఎస్సికి 20 చైర్లు డొనేట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకేమన్నా అవసరాలు ఉంటే మా లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరుగుతుంది. బాబురావు జన్మదినం సందర్భంగా ఈరోజు నందిపేట పిఎస్సిలో మొక్కలు నాటడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకెక్కడన్నా మొక్కలు నాటే ఉంటే మా ఆధ్వర్యంలో లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఇంకా మొక్కలు నాటడం జరుగుతుంది. నందిపేట వారి ఆధ్వర్యంలో మన పిఎస్సి ప్రిమైసెస్లో ఈ కరోనా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా భోజనాలు పెట్టడం జరిగింది. అలా దానిలో భాగంగా ఇక్కడ మన పిఎస్సిలో మన పిఎస్సికి మన పిఎస్సిని లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. దానిలో భాగంగా మన పిఎస్సి ఒక 20 చైర్లు డొనేట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు. సో దానిలో భాగంగా ఈరోజు హరిత చెట్ల నాటే కార్యక్రమం కూడా పెట్టుకున్నారు. సో ఈ ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ప్రజలకు సేవ అందిస్తున్న లయన్స్ క్లబ్ వారికి నందిపేట వారికి చాలా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ముందు ముందు కూడా ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ జనాలకు ఇచ్చి ఇంకా మంచి పేరు తేవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము. ఇంకా మా తరఫున ఇంకేమైనా చేయాల్సి వస్తే మాత్రం మేము ఊళ్ళకి అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము. మాకైతే మంచి సపోర్ట్ ఉన్నది దాని నుంచి. ఇంకా లయన్స్ క్లబ్ కే సాబెఖా జిల్లా గవర్నర్ డాక్టర్ బాబురావు కి సాల్గిరా తక్రీబ్ కా స్నేహ సొసైటీ మే ఎహ్తిమామ్, మాజూర్ బచ్చోం కే సాథ్ ఖుషియాం మనాయి గయి ఔర్ ఇన్కో ఖానా ఖిలాయా గయా. ఇస్ మౌఖే పర్ గరీబ్ ఖవాతీన్ మే సాడియోం కి తక్సీమ్ కి గయి ఔర్ మాజూర్ బచ్చోం కి ముమ్కినా మదద్ కా ఫైసలా లియా గయా. बोधन लायंस क्लब की जानिब से स्नेहा सोसाइटी मारुति नगर में एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया. इस स्नेहा सोसाइटी में मुखिम माजूर बच्चों को खाना खिलाया गया. लायंस क्लब लीगल सेल के साबिका गवर्नर डॉक्टर बापूराव की 63वीं सालगिरह के मौके पर यहां केक काटा गया और माजूर बच्चों के साथ वक्त गुजारा गया. इस मौके पर लायंस क्लब बोधन की अय्यप्पा सेवा के जिला गवर्नर बसवेश्वर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और डॉक्टर बाबूराव की माजी में क्लब के जरिए की गई खिदमत की ستائش کی. انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر سنیہا سوسائٹی کے معذور بچوں کی ممکنہ مدد کی جائے گی اور ساتھ ہی غریب خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم کی گئی. ان پروگراموں میں کئی اہم افراد نے شرکت کی اور ڈاکٹر باپوراؤ کو سالگرہ کی مبارکباد دی. اس موقع پر لائنز کلب کے خازن سرینیواس راؤ، گنگا ریڈی، ڈاکٹر راما دیوی اور دیگر موجود تھے. సిబ్బంది మరియు మానసిక వికలాంగులు పాల్గొంటున్నారు. మరి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ బోధన్ సేవ ద్వారా మరి ఆయాలకి చీరలు కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమంలో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ బోధన్ సేవ అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ గారు آرمور کے مضافاتی سندریا کالونی کی عوام کو تمام تر بلدی سہولتیں فراہم کی جائے. یہ علاقہ تمام سہولتوں سے محروم ہے، ہر جگہ گندگی و تعفن اور تاریکی کا راج ہے. سی پی ایم قائد وینکٹیش کا بیان. سی پی ایم کی جانب سے آرمور بلدیا پر دھرنا منظم کیا گیا. سی پی ایم کی جانب سے آرمور میں دفتر بلدیا کے روبرو دھرنا منظم کیا گیا اور آرمور کی مضافاتی سندریا کالونی میں تمام بنیادی بلدی سہولتوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا. سی پی ایم آرمور ڈویژن کے سیکرٹری پی وینکٹیش نے کہا کہ یانم گٹا سندریا کالونی گزشتہ 4 سالوں سے تمام تر بلدی سہولتوں سے محروم ہے اور یہاں پختہ سڑکوں اور نالیوں کا کوئی وجود نہیں. اس سلسلے میں محکمہ بلدیہ سے متعدد نمائندگیاں بے فیض ثابت ہوئی اور اب صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے. گندگی و تعفن ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور اس علاقے میں سانپوں کی بہتات ہے. ریاستی حکومت عوام کو ڈبل بیڈ روم دینے کا وعدہ کرتی ہے، مگر جو لوگ سرکاری اراضی پر مکان بنا کر گزشتہ کئی سالوں سے مقیم ہیں ان کو سہولتوں کی فراہمی میں دلچسپی نہیں لے. وینکٹیش نے چیئرپرسن آرمور بلدیہ، کمشنر بلدیہ اور دیگر قائدین سے مطالبہ کیا کہ اس کالونی کی عوام کو تمام تر بنیادی بلدی سہولتیں فراہم کی جائے، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب عمل میں لائی جائے اور مکانوں تک بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. وینکٹیش نے بتایا کہ چیئرپرسن اور کمشنر بلدیہ سے نمائندگی پر انہوں نے مسائل کی ممکنہ یکسوئی کا تیقن دیا. اس احتجاجی دھرنے میں سی پی ایم ٹاؤن سیکرٹری کے ایل ایا، زون قائدین ٹی یمنا، راجو کلدیپ شرما، شاہد بیگم اور دیگر شریک تھے. అనేక ఇప్పటికీ 8 సంవత్సరాలు కావస్తూ ఉంది. ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇప్పటి వరకు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. పేద ప్రజలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ స్థలంలో
మరి 501/46 సర్వే నంబర్లో ఇవాళ ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటా ఉన్నారు. 4 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది, అయినా ప్రభుత్వం ఇక్కడ మౌలిక వసతులు కల్పించాలని చెప్పేసి ఇప్పటికి అనేక సార్లు విన్నవించినాం, అయినా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు. ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మున్సిపల్ పాలక వర్గానికి మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. సమీపాన దాదాపుగా 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ స్థలము, మరి సర్వే నంబర్ 1/59లో దాదాపుగా 300 మంది గుడిసెలేసుకుని నివాసం ఉంటున్నారు. అయ్యాల కేసీఆర్ ప్రభుత్వము అధికారంలోకి వచ్చే ముందు మరి ఏదైతే బీద ప్రజలు ఉన్నారో వారందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తామని చెప్పారు. వారు కూడా ఓపికతోటి దాదాపుగా 2 సంవత్సరాల ఓపిక కాబట్టి చూసినారు. చూసిన తర్వాత వాళ్ళు బీద ప్రజలకు అని కూడా చూడకుండా అక్కడ ఏదైతే ప్రభుత్వ స్థలం ఉన్నదో ఏదైతే డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తామని మీరు చెప్పింది అయ్యా, మీరు కట్టించేంత వరకు మేము ఇక్కడ గుడిసెలేసుకొని ఉంటామని వాళ్ళు చెప్పినారు. కానీ ఆయన ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు కూడా ఆళ్ళ ముఖాన తొంగి చూడలేదు. लॉकडाउन के पहले मरहले में पैदल मुसाफिर मजदूरों की बेलोस खिदमत करने वाली आमिना बेगम को अवार्ड. इनकी जबरदस्त खिदमत पर तेलंगाना रत्न अवार्ड से सरफराज किया गया. लायंस क्लब की जानिब से पीएससी नंदीपेट को 20 कुर्सियों का दिया. पीएससी के अहाते में शजरकारी प्रोग्राम, गरीबों को खाना भी खिलाया गया. डॉक्टर बाबूराव की सालगिरह के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम. अरगुल में इनामी स्कीम के ड्रा के मौके पर पुलिस की कार्रवाई, स्कीम के जिम्मेदारान की गिरफ्तारी. स्कीम गैर कानूनी, अवामी सरमाए का इस्तेहसाल, मुकदमा दर्ज होगा, सब इंस्पेक्टर का बयान. जकरियाल में कमसिन बच्चों को शराब फरोख करने का मामला, कानून की खुली खिलाफ वर्जी. कमसिन बच्चों को शराब की फरोख काबिल गिरफ्त, अरबाब मजाज तवज्जो दे. तो ये थी खबरों की तफसील. मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.